नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक गुप्ता हूं। मैं सीनियर चिकित्सक कैंसर हूं। आजकल कैंसर के इंसिडेंस में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है। जो युवाओं की आजकल जीवन शैली है, जिसमें कि जंक फूड खाना, स्मोकिंग करना, अधिक मात्रा में अल्कोहल लेना, एक्सरसाइज नहीं करना या सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वजन नियंत्रित नहीं रहता है, ये कुछ ऐसे जीवन शैली से रिलेटेड कारण है जिसके कारण युवाओं में भी अधिक मात्रा में कैंसर की इंसिडेंस बढ़ रही है। जैसे कि पुरुषों में स्मोकिंग और गुटखा खाने की वजह से मुंह और गले के कैंसर, श्वास नली का कैंसर, फेफड़े के कैंसर, ये अधिक होने लगे हैं। महिलाओं में ब्रेस्ट का कैंसर और सर्विक्स का कैंसर, ये अधिक मात्रा में यंग पेशेंट में आजकल देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर शिखा तिवारी हूँ, सीनियर कंसल्टेंट भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में कार्यरत हूँ, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो मरीजों को पता होना चाहिए, जिससे वो एक प्राथमिक अवस्था में कैंसर को समझ सकें और उस लक्षणों के साथ चिकित्सक के पास जा सके। लक्षणों में प्रमुखता यह होता है कि किसी भी शरीर में कोई भी गांठ पेशेंट को महसूस हो। मैं ज्यादा करके जैसे महिलाएं हैं वो अपना स्तन का परीक्षण करें, उनको वहाँ गांठ भी महसूस हो, या पुरुष हो उसे भी कहीं भी कोई गांठ या ग्रंथि महसूस हो तो वह तत्काल चिकित्सक से जाके परामर्श करें। महिलाओं में अगर मासिक धर्म की अनियमितता हो या कोई अन्य तरह से ब्लीडिंग हो जाए या बढ़ती उम्र में भी मासिक धर्म उनको लगे कि वापस कैसे आ गए, तो उनको तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए आवाज में परिवर्तन आता है, जैसे कोई आवाज बदल रही है, भारी बन आ रहा है, परिवर्तन हो रहा है, खाने में दिक्कत है, निगलने में दिक्कत है, तो भी तुरंत किसी चिकित्सक से संपर्क करा के अपना चेकअप करा लेना चाहिए। मूत्र के अंदर कोई समस्या आ रही है या खून आ रहा है या टट्टी के रास्ते में उनके कोई परिवर्तन आ रहा है शौच की उसमें, तो भी उनको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ये सब प्राथमिक लक्षण है जो कि मरीज को समय समय पर अपने कभी भी ऐसे प्रकट होते हैं तो तुरंत जाके किसी कैंसर के चिकित्सक से जाके अपना पूर्ण चेकअप कराना चाहिए, ताकि उसको प्राथमिक स्टेज पे ही हम लोग डिटेक्ट करके उसका इलाज कर सकें।